और ये बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उन सब लोगों के लिए टॉपिक है जो लोग डॉग को लेके आते हैं यानी बच्चे को गाली देना सिखा रहे हैं आप समझिएगा इस चीज़ को पॉइंट को समझिएगा प्लीज़ हम डॉग को बोलते हैं अटैक अटैक हेलो एवरी वन आई योर फ्रेंड योर होस्ट बारल भंडारी एंड वेलकम फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स एवर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपके टाइम के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जो भी आप हमें प्यार दे रहे हैं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन सबके लिए थैंक यू सो मच और हमारी फैमिली और बड़ी होती जा रही है उस सब चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना है अगेन हमेशा नया टॉपिक होता है नई नॉलेज होती है नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ जो कुछ भी इस दुनिया में आके मैंने सीखा है मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँ सो दैट जो साई एक ड्यूटी लगा रखी है कि मैं आपको डॉग्स के बारे में गाइड करूँ या डिस्कस करूँ या शेयर करूँ उस चीज़ में कोई कमी ना आए आज एक नया टॉपिक लेके जो आया हूं और ये बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उन सब लोगों के लिए टॉपिक है जो लोग डॉग को लेके आते हैं और उन्हें मैनेज नहीं करना आता उन्हें उन्हें सोशलाइज नहीं करवाना आता बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी एक और वीडियो के इस टॉपिक पे कि सर हाउ टू सोशलाइज योर डॉग इस पर एक वीडियो बनाइए हम डॉग ले लेते ले हैं बहुत बड़ी होता है हम लैब्रेडर को भी बिगाड़ लेते हैं जमे शेफर्ड या गोल्डन रिट्रीवर या पग किसी को भी हम बिगाड़ लेते हैं आज मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा सो so दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट टिप जो पॉइंट मैं आपको बोलूंगा वो आप मिस ना करें क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप अपने डॉग को सोशलाइज करने से मिस कर जाएंगे उसे अच्छे से सोशलाइज करवाने से मिस कर जाएंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो जब हम बेबी को लेके आते हैं सबसे पहले तो हम ये करते हैं हम खाना लेके आते हैं और उसके रूम में उसको रख देते हैं बाउल को फीड डालते हैं और हम अक्सर चले जाते हैं शुरू शुरू में शौक होता है प्यार होता है पैम्पर करते हैं हाँ यार हमारे पास में बैठ के खाना खा शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाता है अच्छा मुझे कहीं कॉल करना है मैं वहाँ जा रहा हूँ कहीं मैं आई एम गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल माई कॉलेज और वट या मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ या कुछ भी लेकिन जो बच्चा है उसको प्रॉपर खाना देना बहुत जरूरी है उसके बर्तन में खाना डालिए उसे हल्का सा लिफ्ट कीजिए खाने को और उसके फेस के लेवल पे खाने को लेके आइए उसको हल्का सा लिफ्ट करके खाने को खिलाइए जैसे मैं अपने वीडियोस में ब्लॉग्स में पहले बता चुका हूँ हल्का सा लिफ्ट करके खिलाएंगे सर पे हाथ फेरेंगे कोई भी ब्रीड है चाहे वो डॉबोमैन है चाहे वो जर्मन शेफर्ड है चाहे डॉगो अर्जेंटिनो है चाहे वो तिप्तेन मैस्टिफ है चाहे पग है या लैब्रेडर या गोल्डन रिट्रीवर कोई भी ब्रीड है हमें उसे शुरू से सोशलाइज करना है जो मेरे डॉग्स हैं अगर मैं अपने हिटलर की बात करूं या अपने डॉन की बात करूं दे बिहेव लाइक अ लैब्रेडर बट दे नो हाउ टू रिएक्ट एज वेल वो कैसे गार्ड करना है सिक्योरिटी करनी है वो भी उन्हें बहुत अच्छे से आती है लेकिन हमने उनको वैसा बनाया है उन्हें उस तरह से सोशलाइज करवाया है और आपको भी आज मैं वही टिप्स देने जा रहा हूँ जब भी हम खाना खाते हैं डॉग को खाना देते हैं अब सबसे पहले तो हमने ये नहीं करना कि जब हम खाना खा रहे हैं तो अपने डॉग को खाना दें उससे उसकी हैबिट बिगड़ेगी वो हमेशा आपके साथ में बैठ जाएगा बैग करेगा कि प्लीज़ मुझे भी दो मुझे भी दो और जब कोई क्लाइंट आएंगे कोई गेस्ट आएंगे कोई रिलेटिव आएंगे घर पे और हम खाना खा रहे होंगे और वो पास आके डॉग बैठेगा हमारे लिए वो फैमिली मेम्बर हो सकता है लेकिन वो गेस्ट के लिए वो डॉग ही होगा और जब वो ड्रूल करेगा वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है हमें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जब हम खाना दे रहे हैं तो अपने डॉग को खाना नहीं देना दूसरा जब हमने उसे खाना देना है तो हमने उसके फीडिंग बाउल में ही डाल के खाना देना है ऐसा नहीं करना कि हम उसे फर्श पे डाल के खाना दें उसके फीडिंग बाउल में डाल के ही दीजिए खाना जब हमने डॉग को बाहर लेके जाना है बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कर रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा नाइन्टी नाइन परसेंट आप में से ये गलती करते हैं जब हम गेट खोलते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो डॉग हमारा हमसे पहले बाहर चले जाता है हमने बेल्ट पकड़ी हो तो भी अगर डॉग खुला होगा तो भी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ऑनर जब हमने बाहर जाना है उसको हैबिट रखिए है, नो की पहला पाँव जो बाहर जाना है वो मालिक का पाँव पहला बाहर जाना चाहिए उसे वेट करने को बोलिए कुंडी को खोलिए गेट की या अपना मेन डोर जो आप खोल रहे हैं उसे खोलिए उसे बोलिए स्टे वेट अगर नहीं चल नहीं रुकता है रुक जाइए दरवाजा बंद कर दीजिए बोलिए वेट जो वो बात मानता है छोटा सा बिस्किट तोड़ के दीजिए उसे उसे समझ में आए कि अगर मैं बात मानूंगा अपने ऑनर की तो डेफिनेटली मुझे प्यार मिलेगा और अगर मैं बालिक की बात नहीं मानूंगा फैमिली मेम्बर की या पेरेंट्स की बात नहीं मानूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा रुकना पड़ेगा राइट आप उसे जब बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए लेके जाते हैं पहले पहला स्टेप आपका बाहर जाना चाहिए अगर आपका डॉग पहले बाहर ले जाएगा स्टेप लेके तो वही आपको घुमाएगा आप उसे घुमा के नहीं लाएंगे वो खींचता हुआ जाएगा और खींचता हुआ ही आएगा वापस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक्साइटमेंट होती है डॉग को बहुत आ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि डॉग को एक्साइटमेंट होती है हमारे छोटे बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है बट इन्हें सोशलाइज कराना वेल मैनर्ड तरीके से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा एक बहुत बात करते हुए बीच में एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मुझे एक मैसेज आ रखा था पिछले वीडियो पर कि सर हम अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं जब वॉक करने के लिए तो बहुत सारे स्ट्रेट डॉग्स हैं जो उस पर अटैक करते हैं भोंकते हैं और हमें डर लगता है हमारा डॉग भी उनकी ओर को अटैक करता है तो बेस्ट ये है कि आप अपने हाथ में वॉकिंग स्टिक रखिए चाहे वॉकिंग स्टिक रखिए चाहे डॉग वॉकिंग स्टिक रखिए उससे होगा क्या जो हमारा डॉग है उसको ये समझ में आएगा कि ऑनर के हाथ में स्टिक है अगर मैं बदतमीजी करूंगा तो वो मुझे पढ़ सकती है और जो स्ट्रेट डॉग्स हैं उनको ये चीज़ क्लियर रहेगी कि जो डॉग चला है उसके ऑनर के हाथ में स्टिक है अगर हम बदतमीजी करेंगे तो वो हमें भी पढ़ सकती है हमें उन्हें साइकोलॉजिकली हैंडल करना है जो स्ट्रेट डॉग हैं गली में घूम रहे हैं उन्होंने भोंकना है इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बेचारों को भोंकने से मना करें लेकिन उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमें आपके डॉग से खतरा नहीं है और आपके डॉग को यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरे मालिक के हाथ में स्टिक है और वो कॉन्फिडेंस से चलेगा कि मेरे मालिक के होते मेरे पास कोई स्ट्रे डॉग नहीं आ सकता एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ ये तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया एक पॉइंट क्लियर करता हूँ जब हम वॉक करने लेके जा रहे हैं बहुत बड़ी होता है डॉग खींचता हुआ चल रहा है और हम मैं खुद करता रहा हूँ ऑफकोर्स मैं खुद करता रहा हूँ जब मैं छोटा था जब मैं डॉग लेके आता था बड़ी एक्साइटमेंट होती थी हमारे डॉग जी दूध वाले को गिरा दिया अखबार वाले वेंडर को गिरा दिया एक आंटी थी जा रही उसके सूट को फाड़ दिया कपड़े फाड़ दिए कोई ब्रेवरी नहीं है इस चीज़ को समझिए हम अपने बच्चे को गाली देना सिखा रहे हैं आप समझिएगा इस चीज़ को पॉइंट को समझिएगा प्लीज हम अपने बच्चे को गाली देना सिखा रहे हैं हम उसको जब बोल रहे हैं ना दूसरे पर अटैक करने के लिए अटैक अटैक चार महीने का डॉग है हमने उसे अटैक की कमांड सिखानी शुरू कर दी सिखानी तो शुरू कर दी कंट्रोल कैसे करना वो तो हमें पता ही नहीं है आप इस चीज़ को समझिए जब हम अटैक की कमांड दे रहे हैं सिखा रहे हैं हमें उसे कंट्रोल की कमांड भी आनी चाहिए बट वो हमें नहीं आती इसलिए जो चीज़ आती ही नहीं है हमें वो काम करना ही नहीं है इट्स लाइक चक्रव्यू आप उसमें घुस जाएंगे और अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे वो मत करिएगा आपने अपने डॉग को अटैक की कमांड नहीं बोलनी अगर किसी की और को गुस्से में जाने की कोशिश करता है अवॉइड कीजिए नो गुड बॉय डोंट बिहेव लाइक दिस अच्छा बच्चा उसको हल्का सा बेल्ट से थोड़ा सा झटका दे सकते हैं खींच सकते हैं पर हम उसे पनिश नहीं कर रहे हैं उसको ये जरूर बता रहे हैं कि किसी पे अटैक नहीं करना शुरू शुरू में हमें ये ब्रेवरी लगेगी लेकिन जब हमारा डॉग हम वॉक करने लेके जा रहे हैं हर किसी पे अटैक करना शुरू होगा फिर वो डॉग मैनेजेबल नहीं रहेगा क्योंकि डॉग एज वाइज ग्रो करेगा बड़ा होगा चाहे वो रॉट व्हीलर डॉबामैन कोई भी ब्रीड है बड़ा भी होगा एनर्जी लेवल भी हाई होंगे फिर वो हमसे मैनेज भी नहीं होगा बहुत बारी होता लोग यूं पकड़ के घुमा रहे होते डॉग को अरे 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 सर हमारा डॉग नहीं काबू आ रहा है इट्स नॉट अ गुड थिंग हमें अपने डॉग को मैनेज करना है शुरू से उसे सोशलाइज करवाना है सोशलाइज कराने का एक और तरीका बताता हूँ आप उसे भीड़ वाली जगह पर लेके जाइए ट्रैफिक वाली जगह में लेके जाइए उससे क्या होगा डॉग को कॉन्फिडेंस आएगा शुरू में डॉग डरेगा बाहर जाने से उसको लगेगा पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे जाने पे लेकिन जो डॉग का कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब वो स्ट्रेंजर्स के साथ में मिलेगा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर किसी को डॉग को टच करने दे रहे हैं या आप उसको बोल रहे हैं कि हर किसी के बीच में जाके प्यार करें या कुछ भी बट उसको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको उसे पब्लिक प्लेस पे लेके जाना जरूरी है आप उसे पार्क्स में लेके जा सकते हैं बट मेक श्योर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन वगैरह हो रखी हूँ अगर कोई बीमार डॉग आपको लग रहा है तो इट इज़ नॉट अ ब्रेवरी कि हमने वो बीमार डॉग की हेल्प की है और वो बहुत बीमार था वॉमिटिंग कर रहा था मैं उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके गया या लेके गई और उसके बाद में हम लोग अपने घर पर आए आप मानिएगा प्लीज़ इस चीज़ को बहुत बड़ी होता है वो वायरस साथ में ले आते हैं अपने डॉग के लिए बेशक वो हमारे बच्चे छोटे हैं वैक्सीनेटेड हैं कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉग की हेल्प नहीं करनी चाहिए हंड्रेड टेन परसेंट करनी चाहिए बट प्रॉपर वे है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप अपने आपको कोई ऐसा डॉग मिलता है रोड साइड में जिसको आप लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास में तो मेक श्योर sure उसके बाद में आप उस खुद को अच्छे से नीट एंड क्लीन करें स्टरलाइज करें तभी आप उसे हैंडल करें या आप रबर ग्लव्स आते हैं वो डाल के उसके साथ में करें वापिस आते हैं टॉपिक पे अगर हमें कोई इंसान मिलता है कोई फ्रेंड मिलता है और हम उसको बोलते हैं डॉग को अटैक गुड बॉय अटैक उससे होगा क्या उससे यही होगा आज वो डॉग उस ऑनर वो हमारे ऑनर के जो फ्रेंड है उन पर अटैक कर रहा है कल को वही बच्चा हम पे भी अटैक करेगा जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम उस बच्चे को गाली दे रहे हैं आज हम बोल रहे हैं अंकल मिले हैं बेटे अंकल को गाली दे दो कल को बच्चा वही गाली हमें देगा पापा आपने तो सिखाई थी वो चीज़ हमें नहीं करवानी सोशलाइज कराने के ये छोटे बच्चे के लिए मैंने आपको बोला क्योंकि छोटे बच्चे से ही हमें सोशलाइज करवाना पड़ेगा सोशलाइज करवाना आप सोचे बहुत अग्रेसिव डॉग है आप उसे सोशलाइज करवा लें आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल अगर पॉसिबल होगा भी तो बहुत ईजी नहीं होगा डोंट टेक रिस्क फॉर दैट बट मेक श्योर हम जब बच्चा लाएं हमें उसे अच्छा बिहेवियर सिखाना है खाने की हैबिट शुरू से बनानी है वरना वही बच्चा जिसको आज हम खाना डाल के चले जा रहे हैं जब वो छः महीने का हो जाएगा आठ महीने का दस महीने का हो जाएगा हमने उसके बर्तन में खाना डाला हम फिर चले गए थोड़ा सा खाना उसके फीडिंग बाउल में लगा रह गया जो हमने जिसमें से डाला कंटेनर में से हम उसे हटाने जाएंगे वो हम ही भी अटैक कर देगा क्योंकि उससे ये डर लगेगा कि ये शायद मेरा खाना छीनने के लिए आ गया तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा इस चीज को समझेगा वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट करेगा डॉग को हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब हमने अपने बच्चे को सोशलाइज कराया शुरू से फीडिंग बाउल की हैबिट बनाई है बाकी चीजों की हैबिट बनाई है तो हमारे घर में अगर गेस्ट भी आ जाए छोटे बच्चे भी हों वो भी उसे खाना खाते हुए टच कर देंगे तो वो डॉग अटैक नहीं करेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा ही विल रिस्पॉन्ड छोटे से इस वीडियो में थोड़े से टिप्स दिए हैं आपको जो आपके डॉग को सोशलाइज कराने के लिए इंपॉर्टेंट है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ अगर आप नया डॉग अपने घर में लेके आते हैं छोटा बच्चा और आपके पास में पुराना कोई और डॉग है उन दोनों को मिलवाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पुराने वाले डॉग को ज़्यादा पेम्पर करना है कंपेरिटिवली नए डॉग के जो होता उल्टा है हम लोग नए डॉग की ज़्यादा केयर करते हैं और पुराने डॉग को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से वो टाइम साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज अगेन ये एक मैसेज आ रखा था बीच में आया था दिमाग ध्यान में बात करते हुए तो मुझे लगा इसे मैं क्लियर कर दूं डेफिनेटली नए वीडियो में फिर से मिलेंगे साइन दिया करेंगे आप पे मुझ पे हम सब पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल थैंक यू सो मच